हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, फर्स्ट फ्लाइट बुक ग्रेड 10 से। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हम लोग जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनको किस तरीके से जज करते हैं, आंकते कैसे हैं, उनके पैसों से, उनके पास क्या संपत्ति है उससे, या उनके पास कैसी ऐसी चीजें हैं जो वो हमसे अलग दिखते हैं, या फिर कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो हम इंसान में ढूंढते हैं शायद और लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये जो हमारी स्टोरी है ये एक बहुत ही संवेदनशील कहानी है। कैसे एक यंग छोटी सी गरीब लड़की जो थी वो अपने क्लासमेट्स द्वारा आंकी जाती है। वांडा पेट्रोंस्की जो है एक यंग पोलिश गर्ल थी जो कि स्कूल जाती थी और बाकी अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ एक अमेरिकन टाउन के अंदर। यहाँ ये जो बच्चे थे ये वांडा को कई अलग तरीकों से देखते थे। इमेजिन कर सकते हो कि उनका जो व्यवहार था वो उसके साथ कैसा था। अब उनका व्यवहार कैसा था उसको जानने के लिए हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। आज मंडे को वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पर नहीं थी, पर कोई नहीं, यहाँ तक कि पेगी और मेडलिन, वो लड़कियां जिन्होंने इस मजाक की शुरुआत करती थी, उन्होंने भी नहीं नोटिस किया कि आज वांडा क्लास में नहीं है। ज्यादातर वांडा जो है सीट पर बैठती थी जो बिल्कुल आखिरी सीट की, लास्ट रो में जो आखिरी सीट थी उसके बगल में बैठती थी, रूम 13 के अंदर, रूम के बिल्कुल कॉर्नर में बैठती थी जहां पर और रफ बॉयज जो होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं वो लोग बैठते थे। एक ऐसा कमरे का कोना जहां पर ज्यादातर जो फीट होती हैं यानी पैर जो होते हैं उनकी चलने की आवाज़ आती है, हंस बोल रहे हो तो उसकी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, अगर कभी कहीं कोई मजाक कर रहा है, या फिर एक ऐसा कोना जहां पर बहुत ज़्यादा मिट्टी और गंदगी फ्लोर पर पड़ी रहती थी। वांडा इसलिए यहां नहीं बैठती थी क्योंकि वो भी अपने आप में एक बहुत शैतान या शोर करने वाली लड़की थी, बल्कि वो तो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट थी। वो बिल्कुल शांत रहती थी और बहुत ही कम ऐसा होता था कि कभी वो किसी से कुछ कहती हो। यहाँ तक कि आज तक उसकी क्लास में किसी ने उसको जोर से हंसते हुए भी नहीं सुना था। बस अगर उसको स्माइल भी करना होता था या अगर उसको मुहासना भी होता था तो वो जरा सी छोटी सी मुस्कुराहट दे देती थी और बस फिनिश। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा जोर से नहीं हंसती थी। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता था कि वांडा जो है वो सीट में क्यों बैठती है। वो आती थी बोगन्स हाइट से और उसके जो पैर होते थे वो हमेशा मिट्टी में सने हुए होते थे, लेकिन उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा ऐसा सोचता भी नहीं था जब वो एक बार आकर अपने रूम के जो कॉर्नर वाली सीट थी वहां पर बैठ जाती थी। सिर्फ जब वो लोग वांडा के बारे में सोचते थे वो था जब स्कूल आवर्स खत्म हो जाते थे और वो लोग बाहर होते थे, तब दोपहर में जब वो लोग स्कूल वापस आ रहे होते थे या मॉर्निंग में जब स्कूल खुलने से पहले वो लोग आ रहे होते थे, तब ग्रुप्स होते थे दो या तीन के या इससे भी ज्यादा जो बात कर रहे हो रहे थे या हंसते होते थे रास्ते में, जो स्कूल के लिए रास्ता आता है उसमें आते वक्त जनरली बच्चे आपस में बात करते हुए या हंसते आते हैं, तब वो लोग जो है वांडा को याद करते थे। वो लोग वांडा का वेट करते थे ताकि उसका जो है मजाक उड़ा सके। अगले दिन ट्यूजडे वांडा स्कूल में नहीं आई। नो, किसी ने और ने ध्यान भी नहीं दिया कि वो स्कूल में नहीं आई है। वेडनेसडे को पेगी और मैडी जो कि आगे की फ्रंट सीट पे बैठते थे और बाकी बच्चों के साथ क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे आते थे, सेकेंडली जब वो आते थे तो उनके पैरों वैरों में मिट्टी भी नहीं होती थी, उन्होंने नोटिस किया कि वांडा जो है आज स्कूल नहीं आई है। पैगी सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की थी स्कूल में, देखने में सुंदर थी, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे और उसके जो हेयर थे वो भी कर्ली थे। मैडी उसकी जो है क्लोज फ्रेंड थी। पैगी और मैडी ने नोटिस किया कि वांडा नहीं आई है, वो वजह क्या थी, क्योंकि वांडा की वजह से वो लोग जो है स्कूल के लिए लेट हो गए थे। वो उसका इंतजार कर रहे थे और वेट कर रहे थे वांडा का ताकि वो उसकी थोड़े साथ उसकी मजाक कर सके, लेकिन वो नहीं आई। वो ज्यादातर वांडा पेट्रोंस्की का वेट करते थे ताकि उसका जो है मजाक कर सके। वांडा पेट्रोंस्की ज्यादातर उसके क्लास में जितने भी बच्चे थे यानी 13th रूम में जितने भी बच्चे थे उनके नाम इस तरीके के नहीं थे। उनके नाम बड़े आसान थे बोलने में, थॉमस, स्मिथ, एलन। उनके यहाँ एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस। लोग मानते थे कि उसका नाम फनी है, लेकिन फनी था लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पेट्रोंस्की का था। वांडा का कोई भी दोस्त नहीं था। वो स्कूल अकेले आती थी और घर अकेले जाती थी। वो हमेशा एक फेड हुई ब्लू ड्रेस पहनती थी जो मतलब उसके ऊपर ठीक से आ भी नहीं रही है, सही से फिट भी नहीं हो रही प्रॉपरली, तब वो उस ड्रेस को पहन के आती थी।
साफ सुथरी ड्रेस होती थी, लेकिन उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो उसके ऊपर कभी आयरन भी नहीं करी गई है। उसके कोई दोस्त नहीं थे, पर हाँ बहुत सारी लड़कियां उसके बारे में बात करती थी। कई बार वो जो है उसको स्कूल यार्ड में घेर के खड़ी हो जाती थी, और जब वो लड़कियों को देख रही होती थी कि वो लोग हॉपस्कॉच गेम खेल रहे हैं इतने हार्ड ग्राउंड पे, तो लड़कियां उसको घेर के खड़ी हो जाती थी। अब लड़कियों का होता है ना, जैसे मजाक उड़ाते हैं, ऐसे ही जो पेगी थी वो बड़े प्यार से और बड़े कर्टसी के तरीके से, जैसे मानो मिस मेसन से बात कर रही हो, ऐसे बोलती थी वांडा, और अपनी फ्रेंड को हल्का सा, जैसे होता है ना, कोहनी पुश करते हुए बोलती है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी जो एलमिरा है उसमें कितनी सारी ड्रेसेस जो है वो टंगी हुई हैं। तो वांडा कहती थी 100 ड्रेसेस। तो वांडा ने कहा 100 ड्रेसेस है मेरे पास। अब सारी लड़कियां जो है वो एकदम से अपना गेम छोड़ के उसकी बात सुनने लग जाती हैं आश्चर्यचकित होकर। 100? तो उसने कहा हाँ 100 ड्रेसेस है, सारी एक लाइन में टंगी है। और फिर उसके जो पतले पतले होंठ थे वो ये बात बोल के चुप हो जाते हैं। तो पैगी बोलती है कि अच्छा कैसी है वो, सारी सिल्क की है, मैं शर्ट लगा सकती हूँ? तो उसने कहा हाँ सब सिल्क की है, सारे कलर्स है। तो वेलवेट की भी है? उसने कहा हाँ वेलवेट की भी है, 100 ड्रेसेस हैं। और वांडा जो है बिना किसी फीलिंग के ऐसे बोलती है कि सब की सब मेरी अलमारी में टंगी है। तो सब कहते हैं 100 ड्रेसेस? अब जिसके पास एक अकेली ड्रेस है जो वांडा पहन के आती है ब्लू कलर की, तो कैसे उसके पास इतनी सारी 100 हो सकती है, ये क्या कहानी है? अच्छा तुम्हारे पास जूते कितने हैं? तो उसने बोला 60 पेयर्स, सबके सब मेरी अलमारी में लाइन में लगे हैं। तो फिर सब लोग जैसे पूछते ना सब एक जैसे हैं, तो उसने कहा नहीं सब पेयर अलग अलग है, सब कलर से सब लाइन में लगे हैं। पेगी जो थी वही इस तरह के खेलों में उसका दिमाग चलता था, और मैडी जो है वो उसकी बिल्कुल पक्की दोस्त थी, वो लोग ही हमेशा लास्ट में जाते थे। अब फाइनली वांडा जो है वो अपना सड़क पे चली जाती है, उसकी आंखें बेचारी डल थी, बिल्कुल चुप थी, और अपना जो लेफ्ट शोल्डर था वो थोड़ा उचकाती रहती थी जब भी वो, मतलब थोड़ा सा फनी अंदाज में उसको उचकाती थी जब भी वो अकेले जो है घर जाती थी। पैगी इतनी बुरी नहीं थी, वो ज्यादातर जो छोटे बच्चे हैं उनको, जो बड़े बच्चे जैसे कभी अपनी धौंस दिखाते हैं, उनसे बचाती थी। और वो घंटों रोती भी थी जब अगर उसको कोई जानवर ऐसा दिख जाए जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए, तो पैगी रोती भी थी। अगर कोई उसे ये कह दे कि ये बहुत गलत तरीका नहीं है कि वांडा से तुम इस तरह से ट्रीट करती हो, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता था कि गलत तरीका, पर उसने वो ये क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? कोई भी कह सकता है पूरी तरह से झूठ है, पर वो झूठ क्यों बोल रही है, वो तो एक जस्ट ऑर्डनरी इंसान है, और उसका नाम ऐसा क्यों है, और हम कभी उसको रुलाते तो नहीं है। और मैडी जो है ये जो हमेशा उससे पूछती रहती है वांडा कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, कितना ये है कितना वो है, उससे वो परेशान होती है। मैडी खुद भी पुअर थी, वो हमेशा जो है जैसे कोई और किसी के पुराने कपड़े मिल जाते हैं उनको पहना के आती थी, बस ये था कि वो बोगस हाइट पे नहीं रहती थी और उसका कोई फनी नाम नहीं था। पर जब पेगी जो है वांडा की इस तरह से मजाक उड़ाती थी, उससे इस तरह के सवाल करती थी, तो मैडी को अच्छा नहीं लगता था, उसको बुरा लगता था, और वो चुपचाप उसके हाथ में जो मार्बल्स दबे होते थे उनको वो रोल करती रहती थी और चुपचाप रहती थी। ऐसा नहीं था कि उसको वांडा के लिए बुरा लग रहा है, वो वांडा की तरफ इतना ध्यान भी नहीं देती अगर पेगी ने इस तरीके का ये जो ड्रेस गेम है इसकी शुरुआत नहीं की होती। पर सोचो अगर अगला टर्न पेगी जो है या उसके और दोस्त जो हैं वो मैडी की तरफ कर देते, तो मैडी इतनी गरीब नहीं थी जितनी की वांडा थी, लेकिन उसके में समझ भी कहीं ज्यादा थी कि वो ये बोले कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन वो नहीं चाहती थी कोई उसकी जो है मजाक उड़ाए, और वो चाहती थी कि पेगी जो है वो वांडा पेट्रोंस्की को भी चिढ़ाना बंद कर दे। आज जबकि स्कूल के लिए लेट भी हो गई थी, लेकिन मैडी खुश थी कि उन्होंने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया। वो अपनी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स जो है बड़े, जैसे उसका दिमाग कहीं और चल रहा था, उसने जो है प्रॉब्लम सॉल्व करी 8 times 8, चलो देखते हैं। वो ये सोच रही थी, विश कर रही थी कि उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो उन पैगी के लिए एक नोट लिख दे कि वो जानती है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्टली पैगी से बोल पाए, इसलिए वो जो है उसको नोट में लिख के ये बात कहना चाह रही थी कि पैगी चलो बंद करते हैं कि वांडा से ये पूछना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। जब उसने अपनी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर ली, उसके बाद उसने जो है नोट लिखना शुरू किया पैगी को, तभी एकदम से वो रुक गई और उसने जो है ना जैसे पेपर पर लिखना बंद कर दिया।
उसको ऐसा लगा जैसे मानो स्कूल यार्ड में उसने अपने को इमेजिन किया कि कहीं अगर वोंडा को बंद कर दिया तो नई टारगेट मैं ही ना बन जाऊं पैगी और बाकी लड़कियों के लिए। फिर पैगी जो है उससे पूछेगी, अच्छा तुम्हें ये ड्रेस कौन सी कहाँ से मिली जो तुमने पहनी है, और मैडी को फिर बताना पड़ेगा कि ये तो पैगी की ही एक पुरानी सी ड्रेस है जो मैडी की मदर ने जो है उसको उसमें चेंज कर दिया है, उसको ऑल्टर करके जो है उसका लुक बिल्कुल नया कर दिया है ताकि कोई ये पहचान ना पाए कि ये जो है पैगी की पुरानी ड्रेस है, और रूम 13 में कोई भी इस चीज को जान ना पाए। अब अगर पैगी खुद ही सोचे कि वो जो है वोंडा का मजाक नहीं उड़ाएगी तभी कुछ हो सकता है। मैडी जो है अपने जो हाथ था उसको घबराहट हो रही थी, उसने अपने छोटे छोटे जो ब्लॉन्ड हेयर्स थे उसमें घुमाया जैसे मानो वो जो बुरे ख्याल आ रहे हैं उसके मन में उनको वो हटाना चाहती थी। पर इससे फर्क क्या पड़ता है, मैडी ने जो है अपना जो नोट लिखा था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी जो है पूरी क्लास में सबसे ज्यादा लाइक करने वाली लड़की थी, मतलब सब लोग उसको लाइक करते थे। तो पैगी जो है उसको उम्मीद थी कि इतनी बुरा काम तो नहीं कर सकेगी जो वाकई में बहुत ज्यादा गलत हो। अगर वोंडा की बात करें तो वो बस एक ऐसी लड़की थी जो बोगिंस हाइट पर रहती थी और स्कूल यार्ड में बिल्कुल अकेली थी। वो हार्डली कभी किसी से बात करती थी। जिस टाइम पे उसने बोला था स्कूल यार्ड के अंदर वो था अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी को याद है कि उसने बताया था अपनी एक ड्रेस के बारे में कि वो बिल्कुल पेल ब्लू है जिसमें कलर ट्रिमिंग्स हैं। फिर उसे याद आता है कि एक और ड्रेस के बारे में बताया था कि वो बिल्कुल जंगल ग्रीन जैसी ड्रेस है, उस पर रेड कलर की सैश लगी हुई है। तो गर्ल्स जो थी वो उसको जैसे एडमायर करने के अंदाज में बताती है, अरे तुम उसको पहन के तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री लगोगी। अब वोंडा जो है और उसके 100 ड्रेसेस जो हैं उनके बारे में सोचकर जो कि उसकी अलमारी में बिल्कुल लाइन से लगी हुई हैं, मैडी ये सोचने लग गई कौन जो है ड्राइंग और कलरिंग का कॉन्टेस्ट जीतेगा। तो वोंडा और उसकी जो 100 ड्रेसेस जो लाइन में लगी हुई थी, मैडी उसी के बारे में सोच रही थी कि समझ नहीं आ रहा कि कौन जो है ड्राइंग और कलरिंग का कंटेस्ट जीतेगा, क्योंकि लड़कियों को बोला था कि वो ड्रेस डिजाइन करेंगी और जो बॉयज थे उनको बोला गया था कि वो मोटर बोट्स डिजाइन करेंगे। अब पेगी जो है वही गर्ल्स का मेडल जीतेगी क्योंकि पैगी जो है क्लास में सबसे ज्यादा अच्छी ड्राइंग करती थी। यहाँ तक कि वो जो है जैसा सब लोग सोचते थे वो किसी भी मैगजीन में से अगर कोई पिक्चर कॉपी करनी है वो कर सकती थी, किसी फिल्म स्टार का हेड इतने अच्छे से बनाती थी कि आप फौरन पहचान लेते हैं कि कौन कैरेक्टर की बात कर रही है ये। तो मैडी जो है पूरी तरह से श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। अब डिपेंड था कि टीचर जो है वो कल विनर को अनाउंस करने वाली थी कि कौन विनर बनेगा, और ये सभी लोग जानते थे कि विनर कौन है। अगले दिन क्या हुआ, हल्की सी बारिश हो रही थी। मैडी और पैगी जो है जल्दी से स्कूल आ गई पैडी के छाते में। ऑब्वियस ही बात है जिस दिन ऐसे होगा कि बारिश हो रही है तो वो लोग वांडा पेट्रोसी का कॉर्नर पर ओलिवर स्ट्रीट के इंतजार थोड़ी करेंगे। जो स्ट्रीट बहुत दूर दूर थी, रेल रोड जो के ट्रैक्स होते हैं उनके नीचे थी और पहाड़ी पर थी जो कि बोगन हाइट्स ले जाती थी। अभी वो जो है आज लेट होना नहीं चाहते थे क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तुम क्या सोचती हो, मिस मेसन जो है वो आज विनर्स अनाउंस करेंगे, पेगी ने पूछा। तो मैडी ने कहा कि मुझे उम्मीद तो है, हम लोग अंदर जाएंगे तो वो पक्का बताएंगे कि तुमने ही विन किया है पेग। तो पेगी कहती है हाँ उम्मीद तो है। जैसे ही वो लोग रूम के अंदर एंटर करते हैं वो जैसे होता है ना एकदम से रुक जाते हैं और जैसे सांस लेते हैं। वहां पर चारों तरफ जो है ड्रॉइंग्स में लगी हुई थी रूम में, मतलब हर जो लेज है छोर है उस पे, विंडो की सिल पे, उसमें खूब आकर्षक कलर्स थे, ब्रिलियंट सी अच्छी सी डिजाइंस बनी हुई थी। सब बड़े बड़े जो रैपिंग पेपर्स है उनकी शीट्स पे बनी हुई थी, लगभग 100 से ज्यादा थी सब एक लाइन में। ये सारी जो है सारी ड्राइंग्स है कंटेस्ट के लिए। सब लोगों ने देखना शुरू किया, सब लोग रुक रुक के जो है देख रहे थे और बड़े उससे सीटी बजा के बातचीत करके उन ड्रेसेस को निहार रहे थे। जैसे ही सारी क्लास जो है पूरी गैदर होती है तो मिस मेसन जो है विनर्स अनाउंस करती हैं। जैक बैगल्स जो है उसने बॉयज में जीता था और उन्होंने कहा कि उनका जो डिजाइन था आउटबोर्ड मोटर का वो जो है एग्जीबिशन में लगाया गया है रूम 12 में और भी बाकी जो बॉयज हैं उनके स्केचेस के साथ। और गर्ल्स के लिए उसने कहा कि एक या दो स्केचेस जो है ज्यादातर सबमिट किए थे, एक लड़की है और रूम 13 की जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा गर्व है। इस लड़की ने लगभग 100 ड्रेसेस बनाई हैं, सब बिल्कुल अलग हैं, सब बहुत सुंदर हैं। और जजेस की ओपिनियन में एक भी ड्राइंग ऐसी नहीं है जो प्राइज जीतने लायक ना हो, मतलब कोई भी आप ड्राइंग चुन लीजिए वो प्राइज जीतने लायक है। और मैं बहुत खुशी से कह रही हूँ कि वोंडा पेट्रोंस की जो है इस बार विनर है गर्ल्स मेडल की। अब
बदकिस्मती से मोंडा जो है वो तो कई दिनों से स्कूल ही नहीं आ रही थी, और ना वो उस वक्त वहां थी कि लोग जो उसके लिए ताली बजा रहे थे या उसके लिए वेट कर रहे थे वो उनको मतलब रिसीव कर सके। तो टीचर कहती है उम्मीद करते हैं कि वो कल स्कूल आएगी। अब क्लास आप लोग जो है पूरे रूम में एक बार राउंड लगाकर इन ड्रॉइंग्स को देख सकते हैं। जो बच्चे थे उन्होंने खूब जोर जोर से ताली बजाई, यहाँ तक कि जो बॉयज जो हैं वो भी बहुत खुश थे कि उनको जो है चांस मिल रहा है फ्लोर पर स्टंप करने का। अपनी फिंगर्स जो है बिल्कुल मुंह पर रख के और बहुत हल्की हल्की सी वो मतलब जैसे होता है ना कि सीटी बजाते हैं, हालांकि उनको ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैडी ने बोला देखो पैग ये तो वही वाली ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में उसने बताया था, तो बहुत सुंदर है। पैगी ने कहा हाँ, और देखो वो ग्रीन वाली, बॉय मैं तो सोच रही थी कि आप मैं ऐसा ड्रॉ कर पाती। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर का एक फर्स्ट पार्ट है। अब इसके बाद क्या हुआ उसको जानने के लिए हम अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।